गाने लिखे और साथ ही बहुत सारी बातें भी लिखी हैं। वाकई एक ऐसा कलाकार जो हर पीढ़ी का चहेता बन गया, वैसे ही कलाकार हैं देवानंद। तो आज उन्हीं की बातों के साथ, उन्हीं की फिल्मों की बातों के साथ और उनकी फिल्मों के गीतों के साथ ये कार्यक्रम का सफर तय होगा। संदेश बहुत सारे हैं और संदेशों में एक है, देवानंद जी कालजयी हीरो हैं, वो ही खरे हिंदी सिनेमा के महानायक हैं। एक और संदेश है, शायद ही इतिहास में किसी अभिनेता के किसी लुक को दीवानगी की इतनी हद तक प्यार मिला हो। देव साहब के काले कोट में लड़कियों की ऐसी दीवानगी देखकर कोर्ट को इस मामले में दखल करना पड़ा और कोर्ट द्वारा देवानंद के काले रंग के सूट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आज देवानंद का 26 सितंबर 2023 को 100वां जन्मदिन है। मेरे बहुत ही फेवरेट हीरो हैं। कभी अपनी एक फिल्म में उन्होंने गीत गुनगुनाया था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, और शायद यही गीत उनके जीवन को सबसे अच्छी तरह परिभाषित भी करता है। देवानंद का नाम हिंदी सिनेमा जगत के आकाश में स्टाइल गुरु बनकर चकमगाता है। सदाबहार अभिनेता देवानंद को लोग एवरग्रीन देव साहब कहकर पुकारते हैं। सदाबहार देवानंद का जलवा अब भी बरकरार है, वाकई बरकरार है, और आपके संदेशों से तो लग ही रहा है। साथ ही साथ बहुत से साथियों ने जिक्र भी किया है कि कैसे जो आजकल उनकी उनके 100वें जन्मदिन पर थिएटर्स में कुछ उनकी फिल्में दिखाई जा रही हैं, चुनी हुई फिल्में, उसे देखकर अपना अनुभव भी हमारे कुछ साथियों ने साझा किया है। तो चलिए हम बात करेंगे उनकी फिल्मों की, उनके फिल्मों के गानों की। शुरुआत इस गाने से कर रहे हैं, इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना कहाँ पर फिल्माया गया है। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई पूछ लो हमारी आह से। आंसुआ छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हसीन तार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू गूंजे दिल की आरजू, तुझसे मेरी आंख जब मिले। जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
दिल्ली का कुतुब मीनार हमारे साथियों के जवाब आ गए और हमारे एक साथी ने ये भी कहा है कि इस गाने में शायद कहीं एक जगह उनके भाई भी आते हैं। ये गाना बहुत ही खूबसूरत गाना तेरे घर के सामने फिल्म का संदेश है। देव साहब सदाबहार हर दिल अजीज, मुझे उनकी फिल्म पतिता, असली नकली, तेरे घर के सामने, गैम्बलर, ज्वेल थीफ बेहद पसंद है। ऐसा नहीं कि वो हमारी जनरेशन को ही पसंद है, वो आजकल की जनरेशन को भी बहुत भाते थे। मेरे मामा की लड़की कॉलेज में पढ़ती थी और वो पुणे में पढ़ती थी और वो देवानंद की स्टाइल में ही चलती थी, उन्हीं की तरह की ड्रेस पहनती थी, शर्ट की कॉलर को उठाकर वैसे ही थोड़े सिर को झुकाकर तिरछा चलती थी, सब उसे लेडी देव बोलते थे। उसे उनकी बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग तक याद हैं। घर में तो अगर किसी ने उससे पूछ लिया कि खाना खाओगे चाय पियोगी तो वो हाँ भी उन्हीं के स्टाइल में गर्दन हिलाकर बोलती थी। और इन्होंने उनकी स्मृतियों को विनम्र नमन किया है। एक और संदेश है कि उनकी हर अदा के हम कायल हैं, कायल क्या दीवाने हैं। गले में खास स्टाइल में मफलर बांधना हो या सिर हिलाकर अभिनय करने का अंदाज आज की पीढ़ी को भी अपना दीवाना बना लेता है। हर फिल्म लाजवाब, हर गीत बेमिसाल, आज उनकी 100वीं सालगिरह मना रहे हैं, विनम्र श्रद्धांजलि। चलिए अब दूसरा गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि इसमें देव साहब की हीरोइन कौन है। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, पूरी कब हो से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। अब तो न तोड़ो आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जिंदगी है मेरी एक दाव, तू है हार जीत मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। कितनी है वो तमाशा, मेरा मन तेरा।
जवाब फौरन आया, बहुत बहुत शुक्रिया। गैम्बलर फिल्म का ये गाना, जाहिदा उनकी हीरोइन थी। और अब एक संदेश है, आप बात कर रही हैं 88 बरस के युवा सितारे देवानंद साहब की। देवानंद ने हमें उस नायक से मिलवाया जो रोमांस, प्रेम और फंतासी की मनमोहिनी दुनिया में हमें ले जाता है और भावना के नाजुक मोरपंखी स्पर्श से हमारे वजूद में रोमांस को मैनिफेस्ट करता है, चस्पा करता है। स्टाइल और फैशन आइकन इन्होंने कहा है। और आगे लिखती हैं कि देवानंद ऐसे रोमांटिक हीरो थे जिनका जिंदगी से रोमांस पूरे 88 वर्षों तक पूरी शिद्दत के साथ निर्बाध रूप से बना रहा। वाकई ये बात तो है। एक और संदेश है, लिखा है कि एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने युवाओं को ड्रेसिंग सेंस सिखाया, काली पतलून और सफेद कमीज गजब का कंट्रास्ट है, उसे देवानंद को ध्यान में रखकर पहना जाए तो फिर पहनने वाले को भी देवानंद होने की फीलिंग्स आने लगती हैं। उनकी एक आदत थी कि दिन भर भरपूर काम करना और शाम को ही भोजन करना, यही उनके सदाबहार होने का राज था। और उन्होंने उनकी पसंद के गानों की भी बात की है। एक और संदेश है, हम लोग इन दोनों अपने बचपन को छोड़कर अपने कैशोर वय समाप्त कर आगे बढ़ ही रहे थे, तभी वास्तविक जीवन में बॉलीवुड पर्दे का प्रवेश हुआ। उस समय ये तिकड़ी ही अपने रंगीन स्वरूप में छाई रही, उसमें देवानंद साहब ही पसंद के अदाकार रहे। बाद में यद्यपि राजेश खन्ना का आगमन अवश्य हुआ, लेकिन देव साहब की छवि कम नहीं हुई। ये गुलिस्ता हमारा जैसी अन्य फिल्में राजेश खन्ना की फिल्मों की तरह हिट नहीं होती थी, किंतु उनकी लोकप्रियता फिर भी कम नहीं थी, इसीलिए उनको सदाबहार अभिनेता कहा जाता है। और इन्होंने आगे लिखा है कि अपने अंतिम पलों तक उन्होंने अपने को सकारात्मक रखते हुए फिल्म निर्माण के निर्माता के रूप में व्यस्त रखा। वाकई हमेशा कुछ न कुछ करते रहने वाले, फिल्मों से जुड़े रहने वाले, फिल्मों में ही जीने वाले और फिल्मों में ही सोचने वाले देव साहब को नमन करते हुए चलिए अब ये गाना सुनते हैं और बताइए कि इसमें साथ में कौन सी हीरोइन है। कैसे मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुमझुम रुमझुम। चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम कुछ, क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुमझुम 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 रुमझुम। चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम कुछ हम कुछ तुम। झुकती हुई आंखों में है बेचैन से अरमां कई, रुकती हुई सांसों में है खामोश से तूफान कई। मधुम 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 तुम कुछ हम कुछ तुम। ठंडी हवा का शोर है या प्यार का चितवन, तेरी एक साज है धड़कन मेरी एक गीत है। ठंडी हवा का शोर है या
मेरी कित साज है, धड़कन मेरी कित गीत है, मध्यम 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 चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम। बहुत खूब श्रोताओं के जवाब आ गए। इस फिल्म में उनके साथ नूतन थी। नूतन के साथ उन्होंने कई फिल्में की थी और एक से बढ़कर एक सभी फिल्में। एक संदेश है, मेरा सपना उस दिन साकार हुआ जब देवानंद और हेमा मालिनी जी सन 1969 में पटना से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बिहार के राजगृह में अपनी फिल्म जॉनी मेरा नाम की शूटिंग करने आए थे और उस समय इस फिल्म का गीत ओ मेरे राजा वादा तो निभाना के गीत को शूट किया जा रहा था। ये गीत नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों और शांति स्तूप झूला में फिल्माया जा रहा था। मैं अपने स्कूली दोस्तों के साथ इस फिल्म की शूटिंग देखने घर के अभिभावक से पूछ कर गया। गजब के खूबसूरत देव साहब लगे थे, जैसे फिल्मी पर्दे पर दिखाई देते हैं, और फुर्ती तो उनमें देखने लायक थी। चेहरे पर कोई थकान नजर नहीं आई। शूटिंग खत्म होने पर वहां पर उपस्थित लोगों का अभिवादन हाथ जोड़कर किया था। क्या खूबसूरत याद है। ऐसी बहुत सी यादें, बहुत से गीतों की बातें हमारे साथियों ने साझा की हैं। एक साथी लिखते हैं कि आज जिस अभिनेता की कुछ बातें, कुछ चुनिंदा गीतों के साथ उनके अभिनय की बातें होने वाली हैं, वो हैं जैसे देवों के देव महादेव होते हैं, वैसे फिल्मी दुनिया के कलाकारों के देवो देव महादेव मतलब महान कलाकार को देवानंद कहा जाता है, जिनके दिलचस्प अभिनय को देख हमारे दिल को सुकून के साथ महाआनंद भी मिलता है। और इन्होंने कई गानों की बात भी की है। बिना एक्शन किए एक ही जगह पर बैठकर फिल्माया गीत फिल्म गैम्बलर से मुझे बहुत पसंद है और उनके 100वें जन्मदिन पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। बॉलीवुड के अधिकांश अभिनेताओं का एक दौर रहा, ये एक अगला संदेश है। और इस संदेश में उन्होंने कहा है हमारे साथी ने कि आज भी वे लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। देव साहब ने कई पीढ़ियों की महिलाओं के दिलों पर राज किया। वे हिंदी सिनेमा के इकलौते अभिनेता रहे जिन्हें स्टाइल आइकन कहा गया। देव आनंद जी एक अभिनेता थे, निर्देशक थे, निर्माता थे, कहानी गढ़ते थे और संगीत की समझ रखते थे। शायद सबसे खास बात यह थी कि अपने समय से आगे सोचने की क्षमता उनके अंदर थी। देव साहब सीन को कैसे बेहतर करना है ये उनके जहन में हमेशा चलता रहता था। चलिए अब इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। चले तो फूल जैसे हाँ चल के, रंग से सज गई राहें सज गई राहें। पास आओ मैं पिन्हा दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें खुली खुली बाहें। जिसका हो चल खुद ही चमन, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। Oh,
बना के चले। साथ मेरे चल के देखो आई है धूम से अब की बहारें हर गली हर मोड़ पे वो दोनों के नाम से हमको पुकारे तुमको पुकारे। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। जवाब आ गया, सचिन देव बर्मन का संगीत था इस फिल्म में। और हमारे कुछ साथियों ने इस फिल्म की हीरोइन वैजयंती माला के बारे में भी जवाब में लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी विस्तृत जानकारी और आपकी गजब की याद के लिए। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं, लेकिन उसके पहले एक संदेश है। हमारे एक साथी ने कहा है कि देवानंद जी ने कई सफल कलाकारों को पहला ब्रेक अपनी फिल्मों में दिया था और इन्होंने अभिनेत्री तब्बू का जिक्र किया है, अभिनेत्री एकता का जिक्र किया है। तब्बू ने हम नौजवान में काम किया था, एकता ने अव्वल नंबर में काम किया था। वाकई नई प्रतिभाओं को पूरा समर्थन देने वाले, पूरी उनके प्रेरणा स्रोत तो थे ही, उनकी हिम्मत भी बढ़ाने वाले वही। एक और संदेश है, लिखा है कि देव साहब कहते थे अवार्ड्स ट्रॉफीज ये सब जंग खाएंगे, किंतु प्रेक्षकों का प्यार कभी पुराना नहीं होता या जंग नहीं खाता, यही प्यार मेरे लिए महत्वपूर्ण है। वाकई चलिए अब ये गाना सुनिए और बताइए कि ये गाना किस फिल्म का है। दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो न आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो न आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए प्यार में जिन के सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी रात न जाए तो न आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए से पराए हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन
जाए हर रात न जाए तू तो न आए तेरी याद सता। इस गाने के साथ ही तमाम यादें ताजा हो गईं हमारे सुनने वालों की। राजू गाइड रोजी का जिक्र हो गया और हमारे एक साथी ने लिखा गाइड एस डी बर्मन शैलेंद्र रफी साहब पूरा विस्तार से देवानंद वहीदा रहमान हीरो हीरोइन हीरोइन के बारे में भी बताया। ये वाकई एक ऐसा करिश्मा होता है किसी किसी के व्यक्तित्व में कि वो अपना बना लेता है। बहरहाल हम देव साहब के गीतों के साथ इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे, अभी रुक रहे हैं एक अंतराल के लिए। लौट आए हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सदाबहार सबके चहेते अभिनेता देवानंद साहब की और उनकी फिल्मों की बातें हो रही हैं, उनकी फिल्मों के गीतों की बातें हो रही हैं और अगर कोई खास गीत याद रह गया है तो उसकी भी बातें हो रही हैं। जैसा कि हमारे एक साथी ने लिखा है कि
उन्होंने हमेशा अपनी स्टाइल से सबको अपने प्रेरणा दी है। एक साथी लिखते हैं कि देवानंद के बारे में सोचते ही डेबोनेयर और सदाबहार दो शब्द दिमाग में आते हैं। उनका आत्मविश्वास हर भूमिका में झलकता था, चाहे वो सौम्य प्रेमी हो, साहसी जासूस हो या दार्शनिक पथिक हो, जबकि उन्हें सदाबहार रोमांटिक हीरो के रूप में जाना जाता था। वो एक अभिनेता के रूप में अपनी गहराई दिखाते हुए चंचल से तीव्र तक विभिन्न प्रकार के पात्रों में सहजता से बदलाव कर सकते थे। देवानंद के लिए गायक हेमंत कुमार ने कुछ बेहतरीन गीत गाए हैं और उन गीतों के जरिए उन दोनों ही शख्सियतों को नमन कहा है हमारे इन साथी ने। एक और साथी लिखते हैं कि देवानंद जी पर जो काले कोट पहनने की पाबंदी थी उस पर उन्होंने बात की है कि क्योंकि इस ड्रेस में वो खूबसूरत और रुआबदार दिखते थे, ये बात अलग है कि उन पर सभी कपड़े जचते थे, पर काले कपड़े में उनकी कातिल स्टाइल देख लड़कियां छत से कूदने लगी थी, इसलिए ज्यादा दुर्घटना न बढ़े इसीलिए कोर्ट ने ये फैसला लिया होगा। वाकई कुछ ऐसी आकर्षण वाली जादू भरी शख्सियत थी उनकी कि उनको पर्दे पर देखकर या पर्दे के बाहर भी उनसे एक बराबर रابطہ बन जाता था। तो चलिए इसी कनेक्शन के साथ, इसी रिश्ते के साथ, इसी भावना के साथ ये अगला गाना आपके लिए। बताइए कि फिल्म कौन सी है और इस फिल्म में अभिनेत्रियां कौन कौन थीं। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर कुछ निहा। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। मिल ही जाती हो
कितने अफसाने छोड़ के चल देती हो, कितने अफसाने छोड़ के ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। जवाब आ गए, हमारे साथियों ने बताया तीन देवियां फिल्म का ये गाना नंदा कल्पना सिमी ग्रेवाल और एसडी बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल। वाकई कुछ गीतों के साथ ही ऐसा ऐसा आकर्षण बन जाता है कि उन गीतों को सुनते ही बस वो चित्र सामने नज़र आ जाते हैं। और ख़ास तौर से इस फिल्म की बात अगर हम करें तो तीनों ही अभिनेत्रियों का जादू बखूबी चला। चलिए अब अगला गाना और अगला सवाल इस गाने को सुनिए और हमें ये बताइए कि इस फिल्म में दो अभिनेत्रियां हैं, अभिनेत्रियां दो हैं, आप क्या पहचान सकते हैं वो दो अभिनेत्रियां कौन सी हैं? फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सरगम धड़कन की बीना सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू, छोटा सफर हो लंबा सफर हो सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म
पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए। आधी ने रोका पानी ने टोका दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। पुजारी फिल्म का गाना और हमारे साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना। इस फिल्म में वहीदा रहमान और जाहिदा ये दो अभिनेत्रियां थीं। अब अगर हम बात करें तो उन्होंने हर बहुत सारी अभिनेत्रियों के साथ अलग अलग समय पर उन्होंने भूमिकाएं निभाई। कल्पना कार्तिक के साथ उनकी पहली फिल्म थी बाजी और इस फिल्म में उनके साथ एक और अभिनेत्री थी। आप पहचान सकते हैं वो कौन सी अभिनेत्री थी, याद कीजिए और बताइए। और अब ये गाना सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का गाना है और अभिनेत्री कौन है। सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेपरहार था, जिया बेपरहार था, आज भी है और ये कल भी रहेगा। सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ना करो मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेपरहार था, जिया बेपरहार था, आज भी है।
वाकई उनसे जो ये मोहब्बत है श्रोताओं की, उनके फैंस की, उनके चाहने वालों की, वो हमेशा रहेगी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मेरी बेटी को देवानंद इतने पसंद हैं कि उसने देव आनंद की अधिकतम फिल्में देख डाली हैं। देवानंद की बहुत बड़ी फैन है वो, मुझसे कहती है काश मैं उस दौर में होती तो देवानंद को देख पाती, ऑटोग्राफ ले पाती। हर जगह देवानंद की तस्वीर लगा रखी है, कप किचन में, फोन कवर में, एक संग्रहालय में देवानंद जी का चेहरा था। तो मेरी बेटी ने जब उनके साथ सेल्फी ली तो बहुत खुश हुई और कहने लगी देव साहब के साथ तस्वीर लेने का सपना सच हो गया। ये बात मैंने पहले भी कही थी। वाकई ये आज की जो पीढ़ी है उसे भी देवानंद साहब बेहद पसंद हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज की पीढ़ी के जो देवानंद साहब के स्टाइल के दीवाने हैं। और रहे अब सवालों के जवाब, तो हमारे साथियों ने तुरंत बताया कि फिल्मबाजी में कल्पना कार्तिक के अलावा गीता बाली ने देवानंद के साथ काम किया था। और ये जो गाना भी आपने सुना, जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म में उनके साथ हीरोइन थी आशा पारेख। आशा पारेख के साथ उन्होंने और फिल्में भी की थी क्या, कोई नाम याद आ रहा हो तो बताइए। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि कुछ फिल्में तो शादी के पहले और कुछ शादी के बाद की हैं जो पुरानी यादें ताज़ा कर रही हैं। इनका मतलब है कि जो गीत ये सुन रही हैं उसमें से कुछ फिल्में इन्होंने शादी के पहले देखी थी और कुछ शादी के बाद। चलिए इन यादों को ताज़ा करते हैं इस गाने के साथ। सुनिए और बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और इसमें अभिनेत्री कौन है। मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली, नहीं होंगे।
नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, जवाब आ गया। ये गाना हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुमताज़ के साथ साइकिल पर फिल्माया गया है ये गीत, और फिल्म का नाम भी बताया है तेरे मेरे सपने। और आशा पारी के साथ देव साहब ने एक फिल्म और की थी महल। चलिए अब ये गाना सुनिए और बताइए कि ये फिल्म कौन सी है। जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों से तुम सर आंखों पर, मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी खुशी और गम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों से सर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं, अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं, तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर, मैंने बदले में प्यार के जवाब। बिल्कुल सही हमारे साथियों का आया, साधना के साथ फिल्म असली नकली का ये गाना आपने सुना। और अब ये कार्यक्रम यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। हालांकि देव साहब की कितनी ही फिल्में, उनके साथ जुड़ी हुई कितनी ही बातें, और हर बात के साथ कोई ना कोई सुंदर सी याद, हम इसे फिर कभी साझा करेंगे किसी और कार्यक्रम में या इसी कार्यक्रम में। आप सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।